next C program to insert an element into array after given numbers. Means just previous session मैंने provide किया था, means array में element insert करा था either beginning position or end position, means either head position or tail position. लेकिन इस केस में just element किस place पर insert कराना है? Just after given number. इस केस में inserted element के साथ साथ input में आपको supply क्या करना होगा? Also given number. Means जिस number के बाद में आप new element insert करना चाहते हो. For examples, we want to inserting new item. इस केस में just new element insert कराना है as a 35. Just after given. इस केस में given element क्या है? Just we want to inserting after element 30. तो इस केस में given क्या हो जाए? 30 is a given element. इस इसका कोई guarantee नहीं है. 30 existing है, non-existing है, doesn't matter. इस simply इस केस में two case given है. Given item क्या? इस केस में 30 और insert क्या कराना? Just 35. तो इस केस में just 30 के just बार next place पर insert क्या होना चाहिए? 35 क्या? 35 insert किस place पर कराना है? After given. Means just given क्या है? 30 तो 30 के just बाद में insert कराना है. लेकिन 30 के बाद में already 3 element existing found हो रहा है. Then इस case में सबसे पहले required क्या हुआ? Shifting operation. Finally इस case में सबसे पहले मैं logic discuss करूँगा. Steps means इस program के logic किस steps में perform करूँ. Then finally इसके लिए create करेंगे main function. तो सबसे पहले user defined functions create means sorry logic support करेंगे. मैं separately function create करूँ user defined function like insert. जिस प्लेस सपोज इसको मैं मेन फंक्शन के अंदर कॉल करा तो इंसर्ट फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में सबसे पहले पास क्या करोगे जैसे एरे में इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो उस एरे का बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ एरे. एरे का साइज क्या है इस केस में? जस्ट n. सेकंड केस इसके जस्ट और सप्लाई क्या करोगे? थर्ड इनपुट गिवन आइटम व्हिच यू वांट टू सॉरी गिवन आइटम इज जिसके बाद में इंसर्शन परफॉर्म कराना है प्लस फोर्थ आर्गुमेंट क्या पास होगा? इंसर्टेड एलिमेंट आइटम. तो फाइनली इस केस में टोटल इनपुट्स कितने पास करने होंगे आपको? फोर इनपुट्स प्लस इस फंक्शन से रिटर्न क्या कराओगे? नथिंग. इसलिए रिटर्न टाइप यूज करेंगे जस्ट वॉइड. फंक्शन नेम वी आर यूजिंग एज इंसर्ट जस्ट सिंपल फंक्शन. फर्स्ट केस में पास क्या हो रहा है? जस्ट एरे का बेस एड्रेस. इसलिए आर्गुमेंट फर्स्ट केस में टाइप क्या लोगे? पैरामीटर टाइप है इंट स्टार ए. सेकेंड आर्गुमेंट पास क्या हो रहा है? साइज ऑफ करेंट साइज ऑफ एरे इन 10. थर्ड आर्गुमेंट में पास कह रहा है गिवन एलिमेंट व्हिच यू वांट टू सॉरी गिवन आइटम जस्ट जिसके बाद में इंसर्शन परफॉर्म करना है. इंटीजर गिवन, गिवन को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंड इंसर्टेड आइटम क्या है? आइटम. देन फाइनली फोर्थ एलिमेंट क्या है? जस्ट आइटम. दिस इज द सिग्नेचर ऑफ इंसर्ट फंक्शन. नेक्स्ट वन इसके से स्टेप्स की बात करें. सबसे पहले मैं आपको इसके स्टेप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ देन जस्ट ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे. इसे डायग्राम या एग्जिस्टिंग एरे के बेसिस पर मैं स्टेप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ. फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहले जिसे एलिमेंट को आप इंसर्ट कराना है सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होगा? मैंडेटरी कंडीशन क्या है? गिवन एलिमेंट. सबसे पहले एरे के अंदर सर्च क्या करोगे? गिवन. फॉर एग्जाम्पल अगर गिवन आइटम मैंने एंटर किया समथिंग 70 तो 70 इस केस में एग्जिस्टिंग है नॉन एग्जिस्टिंग? नॉन एग्जिस्टिंग. जब गिवन एलिमेंट ही फाउंड नहीं हो रहा था ना उस केस में इंसर्शन पॉसिबल हुआ क्या? नहीं. इंसर्शन तभी पॉसिबल अगर गिवन एलिमेंट एग्जिस्टिंग है. तो सबसे पहले सर्च किसके लिए क्या करोगे? ट्राई किसके लिए करेंगे? सर्चिंग गिवन आइटम. सर्चिंग गिवन आइटम किसी एलिमेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट को सर्च कैसे करते हैं इसके लॉजिक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ. अगेन वन मोर टाइम्स पहले अभी मैं इसके इसमें एज्यूम करूँगा एज अ सर्च फंक्शंस. देन फाइनली इसके लिए सेपरेटली सोर्स कोड प्रोवाइड करेंगे. क्लियर? सबसे पहले सर्च क्या करेंगे? गिवन आइटम. तो गिवन के केस में टू पॉसिबल केस होंगे. इस केस में सर्च फंक्शन जब इंप्लीमेंट करेंगे तो सर्च फंक्शन से रिटर्न क्या कराएंगे? सर्च मीन्स अगर एलिमेंट एग्जिस्टिंग है फिर एलिमेंट इज एग्जिस्टिंग. अगर गिवन आइटम फाउंड हो रहा है तो रिटर्न क्या कराएंगे? सर्चिंग प्लेस का इंडेक्स. क्योंकि आपको इस केस में रिक्वायर्ड क्या है? इंडेक्स. दूसरा पॉसिबल केस क्या है? नॉन एग्जिस्टिंग. अगर गिवन आइटम नॉन एग्जिस्टिंग है देन उस केस में इंसर्ट ऑपरेशंस पॉसिबल ही नहीं. जस्ट इग्नोर करो इस केस में. नॉन एग्जिस्टिंग के केस में रिटर्न क्या कराएंगे? इंडेक्स वैल्यू -1. अगर इस फंक्शन से -1 रिटर्न हुआ देन इसका मतलब एलिमेंट कैसा? नॉन एग्जिस्टिंग. अदरवाइज इंसर्ट ऑपरेशन ट्राई करोगे. नेक्स्ट केस इसके अलावा जस्ट रिक्वायर्ड क्या हुआ? सबसे पहले फर्स्ट केस क्या? सर्चिंग इंडेक्स्ड पोजीशन ऑफ गिवन एलिमेंट. तो गिवन एलिमेंट से रिटर्न क्या? सर्च फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ? सर्चिंग प्लेस का इंडेक्स. इंडेक्स को असाइन करने के लिए एक वेरिएबल यूज करेंगे समथिंग इंटीजर
इंडेक्स, वेरिएबल नेम क्या इसके इसमें इंडेक्स, इसके इसमें इंडेक्स किसका आसान होगा, गिवन एलिमेंट का। तो इसके लिए जस्ट गिवन एलिमेंट का इंडेक्स सर्च करने के लिए मैं फंक्शन कॉल कर लूँगा इस प्लेस पर, सर्च फंक्शन। सर्च, सर्च के अंदर इस पास क्या करोगे, उस एरे का एड्रेस इस एरे के अंदर सर्च ऑपरेशन अप्लाई करना, मीन्स एरे ए, सेम पॉइंटर ए, देन एरे का करेंट साइज एन। इसके अलावा सप्लाई क्या करेंगे, सर्च क्या करना चाहते हो, इसके इसमें इंसर्टेड आइटम और गिवन आइटम, गिवन आइटम जी, क्लियर। तो इसके इसमें सपोज दैट और गिवन एलिमेंट का मैंने वैल्यू पास किया था इस प्लेस पर एज 30, करेंट साइज क्या है इसका 5, 6, 30, देन इंसर्शन के इसमें क्या कराना मुझे, जस्ट न्यू एलिमेंट इज 35। तो इसके इसमें 30 क्या है, गिवन आइटम, तो 30 फाउंड हो रहा है लेकिन 30 का इंडेक्स क्या है 2, तो इसके इसमें इस फंक्शन से जस्ट रिटर्न क्या हो जाएगा, वैल्यू एज 2, क्लियर। इस केस में वेरिएबल क्या क्रिएट हुआ, जस्ट इंडेक्स, इस फंक्शन कॉलिंग के अकॉर्डिंग जस्ट इंडेक्स में कैसा हो जाएगा, इंडेक्स्ड पोजीशन ऑफ सर्च गिवन आइटम, क्लियर। दूसरा पॉसिबल केस क्या था, हो सकता है अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट पास किया लाइक 70 विच इज नॉट एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग नहीं देने, उस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था इस फंक्शन से, जस्ट -1 के केस में आप मीन्स नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले आप चेक कर लोगे गिवन आइटम एग्जिस्टिंग है या नॉन एग्जिस्टिंग है, क्लियर। इसके अलावा एक और वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा एरे के एलिमेंट के इंडेक्सेस को मैनेज करने के लिए, जस्ट आई, तो इसके लिए एक और वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया एज आई। इस केस में कोई भी ऑपरेशन ट्राई करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले कंडीशन क्या अप्लाई करो, इफ इंडेक्स नॉट इक्वल्स टू -1, अगर इंडेक्स का वैल्यू -1 है इसका मतलब गिवन एग्जिस्टिंग गिवन एलिमेंट फाउंड ही नहीं हो रहा, देन आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है देन इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं इंडेक्स का वैल्यू क्या है नॉट इक्वल्स टू -1, मीन्स वैलिड इंडेक्स अवेलेबल देन उस प्लेस से जस्ट परफॉर्म से, इस केस में जस्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या था 2 नॉट इक्वल्स टू -1, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन टू देन इसका मतलब क्या है, वी आर एबल टू इंसर्टिंग न्यू आइटम, देन न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराने के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रिक्वायर्ड हुआ, जस्ट एलिमेंट इंसर्ट कहाँ कराना है, आफ्टर और नेक्स्ट पोजिशन ऑफ द गिविन आइटम, नेक्स्ट पोजिशन ऑफ द गिविन, इस केस में गिविन का इंडेक्स क्या है 2, उसके नेक्स्ट पोजिशन क्या है, नेक्स्ट इंडेक्स क्या है जस्ट 3, नेक्स्ट प्लेस पर इंसर्ट कराना, लेकिन नेक्स्ट प्लेस पर हो सकता है अगर गिविन आइटम लास्ट है देन उसके केस में लास्ट में कोई एलिमेंट नहीं, लेकिन इसके जस्ट बाद अगेन एग्जिस्टिंग एलिमेंट पॉसिबल है, देन इस केस में नेक्स्ट प्लेस पर न्यू इंसर्ट, मीन नेक्स्ट प्लेस क्या हुआ, जैसे इंसर्टेड प्लेस क्या हुआ इंडेक्स +1, और इंडेक्स का वैल्यू 2 है देन इंसर्शन किस प्लेस पर क्या हुआ इंडेक्स +1 इंडेक्स, लेकिन इस प्लेस पर जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट राइट में शिफ्ट होंगे लाइक अ हेड ऑपरेशन, तो राइट में शिफ्ट करोगे, राइट में शिफ्ट करने के लिए करेंटली सबसे पहले शिफ्टिंग किसके लिए हुआ n-1 इंडेक्स, n-1 इंडेक्स मीन्स दिस इज द एलिमेंट हैविंग n-1 इंडेक्स, ये किस इंडेक्स में जस्ट सेंड हो जाएगा +1 लाइक देट, तो इसके इसमें जस्ट शिफ्टिंग ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए यूज क्या करोगे लूपिंग स्टेटमेंट, i=, स्टार्टिंग किस प्लेस से कराना शिफ्टिंग के लिए n-1 इंडेक्स ऑनवर्ड, तो इसलिए i में क्या सन करा देंगे n-1, शिफ्टिंग कब तक कराना है मीन्स सारे के सारे एलिमेंट शिफ्ट कराना है अप टू दैट प्लेस, मीन्स जो भी गिवन इंडेक्स है इसे इंडेक्स के सारे बाद वाले एलिमेंट शिफ्ट कराना, मीन्स जब तक i का वैल्यू इसे गिवन इंडेक्स से बड़ा है, कंडीशन क्या हो जाएगा i इज ग्रेटर देन गिवन इंडेक्स, एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ i-1, देन असाइनमेंट किस नेक्स्ट पोजिशन में ट्रांसफर करें, नेक्स्ट पोजिशन वाले रेफर किससे हुआ i+1 प्लस असाइनमेंट किस एलिमेंट को a ऑफ i, इस लॉजिक को मैं एग्जीक्यूट करके बता रहा हूँ, जस्ट इस केस में जस्ट वेरिएबल क्या क्रिएट हुआ है i, वेरिएबल क्या आपके पास न्यू वेरिएबल है i प्लस इस सर्च फंक्शंस के थ्रू ऑलरेडी इंडेक्स में क्या आसान हो चुका है 2, 30 का जस्ट इंडेक्स, i के केस में इनिशियलाइज में किस हो रहा है n-1, n का वैल्यू क्या है 6, 6-1 = 5, i में क्या आसान हो चुका है जस्ट वैल्यू है 5, देन कंडीशन टेस्टिंग 5 इज ग्रेटर देन इंडेक्स, इंडेक्स का वैल्यू क्या 2, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू देन i के प्लेस पर क्या जाएगा i का वैल्यू और i का करंट वैल्यू क्या 5, देन 5+1 = 6, तो फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट सिक्स्थ इंडेक्स में ट्रांसफर हो जाए, मीन्स दैट ऑपरेशन, फिफ्थ में क्या फाउंड हो 60, अब 60 इज कॉपीड, देन i-1 के अकॉर्डिंग i की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 4, क्लियर। i का वैल्यू 4 होने के बाद अगेन फोर लूप का कंडीशन टेस्ट होगा, 4 ग्रेटर देन 2, कंडीशन अगेन ट्रू, ट्रू है देन नेक्स्ट टाइम फिर से बॉडी के अकॉर्डिंग i के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराओगे i का करंट वैल्यू, आई थिंक 4 + 1 = 5, देन फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट असाइन किस इंडेक्स में होगा 5 में, मीन्स दैट असाइनमेंट,
मीन 60 ऑलरेडी नेक्स्ट प्लेस पर कॉपी कर चुके हो, इसलिए 60 को 50 से रिप्लेस कराना पॉसिबल है. नेक्स्ट टाइम अगेन परफॉर्म क्या होगा, आई माइनस माइनस, नाउ आई बिकम्स 3. देन कंडीशन टेस्टिंग, 3 ग्रेटर देन 2, कंडीशन अगेन 2, क्लियर ट्रू है. देन फिर से परफॉर्म क्या होगा, ए ऑफ आई, आई का वैल्यू 3 है, ए ऑफ थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट आसानी से 3 + 1 = 4. थर्ड इंडेक्स कॉपी किसमें हो रहा है, फोर्थ इंडेक्स वाले प्लेस पर. फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट ऑलरेडी नेक्स्ट प्लेस पर ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए इसको रिप्लेस करोगे किससे, प्रीवियस एलिमेंट 40 से. तो अब 40 वाला प्लेस जस्ट कैसा हो चुका है, एम्प्टी. इसके बाद अगेन आई माइनस माइनस होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट 2. लॉजिकली ये प्लेस कैसा है, जस्ट एम्प्टी प्लेस, देयर इज नो नीड, क्लियर. इस पर वैल्यू क्या है, मीन्स कंटेंट्स अभी 40 फाउंड, लेकिन अब ये प्लेस आपके लिए रिक्वायर्ड है क्या, नहीं. कंडीशन टेस्ट कराओगे, आई का वैल्यू क्या है, 2 ग्रेटर देन 2, कंडीशन बिकम फॉल्स. मीन्स आपको सारे एलिमेंट शिफ्ट करने की नीड थी, और गिवन पोजीशन ऑनवर्ड्स, ओनली फ्रॉम गिवन नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन पोजीशन ऑनवर्ड्स. मीन्स एलिमेंट कौन से शिफ्ट कराओगे, जो भी गिवन आइटम था, गिवन आइटम के राइट हैंड पोजीशन जितने भी एलिमेंट, वो सारे के सारे एलिमेंट वन पोजीशन राइट में शिफ्ट हो जाए, लेकिन इससे लेफ्ट एलिमेंट अफेक्ट हुए क्या, नहीं. नेक्स्ट वन, जस्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होने का, फॉर लूप का कंडीशन फॉल्स हो चुका है. कंडीशन फॉल्स होने से पहले सारे के सारे एलिमेंट राइट में ट्रांसफर हो चुके. देन अब आपके लिए इस प्लेस पर न्यू एलिमेंट डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल है. तो न्यू एलिमेंट किस इंडेक्स में साइन होगा, अगर गिवन आइटम का इंडेक्स 2 है, तो न्यू एलिमेंट किस इंडेक्स में साइन करा हुए, इसे इंडेक्स प्लस 1. तो इस केस में जैसे डायरेक्टली क्या राइट डाउन करें, ए ऑफ आउटसाइड लूप, इंडेक्स प्लस 1 इक्वल्स टू आइटम वैल्यू. आइटम के केस में जस्ट पास किया हुआ था 35, इंडेक्स का वैल्यू क्या है 2, 2 + 1 = 3. तो थर्ड इंडेक्स में आसान क्या हो जाएगा, जस्ट आइटम, थर्ड इंडेक्स में कॉपी किया, आइटम का वैल्यू 35. मीन्स गिवन क्या था 30, इंसर्शन कहाँ हुआ, जस्ट आफ्टर 30, मीन्स आफ्टर गिवन, क्लियर. इस लॉजिक के थ्रू जस्ट इंसर्ट कराना पॉसिबल है. देन इसके अलावा आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की नीड है क्या, नहीं. देन क्लोज दिस कंडीशंस, रिटर्न नथिंग. इस केस में अगर आपको याद हो कि जस्ट एक और फंक्शन यूज किया सर्च, तो इसके अलावा आपको वन मोर फंक्शन इंप्लीमेंट करने की नीड है, जस्ट सर्च फंक्शन. तो सर्च के रिस्पेक्ट में लॉजिक्स ऑलरेडी आपको प्रीवियस सेशन बता चुका हूँ, देन सर्च फंक्शन भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं. इसके अलावा सारे के सारे फंक्शन आप स्टार्टिंग में सभी फंक्शन के लिए प्रोवाइड किया करोगे डिक्लेरेशन. मीन सर्च फंक्शन को कॉल करने से पहले सर्च फंक्शन का डिक्लेरेशन होना कंपलसरी. तो मैं डिक्लेरेशन जस्ट मैं टॉप में प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन ऑफ सर्च फंक्शन. सर्च फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर. क्या रिटर्न क्या करेगा, इंडेक्स्ड पोजीशन ऑफ सर्चिंग एलिमेंट. सर्च आर्गुमेंट में क्या पास होगा, सर्चिंग एरे का एड्रेस कॉमा साइज ऑफ एरे, क्लियर. क्लोज दिस. सर्च में कितने आर्गुमेंट पास होंगे, 3. सॉरी, वन मोर आइटम क्या पास हो रहा है, गिवन आइटम. गिवन का भी टाइप क्या है, ऑल्सो इंटीजर. देन फंक्शन इज सर्च, फर्स्ट केस में आर्गुमेंट क्या है, जस्ट पॉइंटर ए. सेकेंड आर्गुमेंट क्या था, जस्ट साइज ऑफ एरे. थर्ड आर्गुमेंट इज गिवन, मीन्स जिस एलिमेंट को आप सर्च करना चाहते हो, क्लियर. नेक्स्ट वन, तो सर्च करने का जस्ट लॉजिक क्या, एरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स विजिट करोगे. मैं इसके इसमें कोई डायग्राम शो नहीं करूँ, क्योंकि इसके लॉजिक में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस सेशन में. फोर लूप, आई इक्वल्स टू 0, मीन्स 0 से लेकर एन तक सारे के सारे एलिमेंट विजिट करोगे, प्लस सभी एलिमेंट का कंपेरिजन किससे कराएंगे, वैल्यू ऑफ जी. एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ, आई प्लस प्लस. इफ कंडीशन, इफ कंडीशन क्या, जस्ट इफ वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल इक्वल ए ऑफ आई. अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है, रिटर्न आप इमीडिएटली इसके रिटर्न क्या कराओगे, रिटर्न करंट इंडेक्स. और करंट इंडेक्स किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, आई से. डायरेक्टली रिटर्न क्या करा दोगे, आई. सपोज अगर ये कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं हुआ, देन लूप के बाद रिटर्न क्या कराओगे इसके में, इन फेल्ड केस रिटर्न क्या होगा, रिटर्न माइनस 1. ये सारे लॉजिक में से एफ फोर लूप के बॉडी का पार्ट है, और एफ के बॉडी का पार्ट क्या, जस्ट रिटर्न आई, क्लियर. इज द लॉजिक्स ऑफ सर्च ऑपरेशन. नेक्स्ट वन, फाइनली इस लॉजिक को टेस्ट करने के लिए प्रोवाइड क्या करेंगे, मेन फंक्शन. तो मेन फंक्शंस के रिस्पेक्ट में जस्ट बेसिक लॉजिक्स क्या होंगे, फर्स्ट स्टेप मेन के किस में, प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस, क्लियर. प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, एरे विद रिक्वायर्ड साइज और मैक्सिमम साइज. इसका साइज क्या है 10, प्लस एरे का लॉजिकल साइज एन के फॉर्म में मैनेज करेंगे, देन एन. इसके अलावा एन के अलावा रिक्वायर्ड क्या होगा, जस्ट गिवन आइटम और इंसर्टेड आइटम, फोर वेरिएबल्स, क्लियर. देन एरे के रिस्पेक्ट में सबसे पहले एरे का साइज रीड करोगे, पुट्स साइज ऑफ एरे. पुट्स में क्या डिस्प्ले कराएंगे, जस्ट साइज. आप जो भी मैसेज चाहो डिस्प्ले करा सकते हो. देन रीड करने के लिए यूज क्या करें, स्कैन एफ
स्कैनएप के केस में जस्ट परसेंट डी एड्रेस ऑफ एन। नेक्स्ट केस रीड क्या करेंगे, एरे के लिए एलिमेंट्स, तो एरे के लिए एलिमेंट्स रीड कराने के लिए लूप कौन से काम से चला, वाई इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, देन स्कैनएप, स्कैनएप के थ्रू एरे के लिए एलिमेंट्स रीड कराने के लिए यूज क्या करेंगे एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई। क्लियर, एरे के लिए आइटम रीड करने के बाद जस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या, टोटल आपको इसके इसमें इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड है, सबसे पहले एन का वैल्यू रीड करा, देन एरे के लिए एलिमेंट्स रीड करा, देन जैसे एलिमेंट को आप इंसर्ट कराना चाहते हो मीन्स इसके इसमें टू मोर इनपुट्स रिक्वायर्ड है, एक तो वो एलिमेंट रीड करा वो जैसे एलिमेंट के बाद में इंसर्शन परफॉर्म कराना मीन्स गिवन, और दूसरा इनपुट क्या रिक्वायर्ड है आइटम, तो इसके इसमें अगेन टू मोर वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगे, मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो रिक्वायर्ड मैसेज पुट्स एंटर गिवन कॉमा, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैसेज ले सकते हो गिवन कॉमा आइटम। क्लियर, एन जस्ट सिंगल स्कैन ऐप के थ्रू मैं टू वैल्यू रीड करा रहा हूँ इस केस में, परसेंट डी, परसेंट डी एड्रेस किसका पास करें एड्रेस ऑफ गिवन जी एंड एड्रेस ऑफ आइटम, दिस इज द स्टेप्स ऑफ मेन फंक्शन। मेन के अंदर कोई स्पेशल लॉजिक्स नहीं है, जस्ट सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने की नीड है। देन दोनों इनपुट रीड करने के बाद देन फाइनली गिवन आइटम, आइटम को इंसर्ट कराएं जस्ट आफ्टर गिवन, तो इसके लिए जस्ट आप कॉल क्या कर लोगे फंक्शन एज इंसर्ट, इंसर्ट फंक्शन कॉल कराएंगे, इंसर्ट के केस में पास क्या करो एरे का एड्रेस, करेंट साइज ऑफ एरे, गिवन एलिमेंट, देन इंसर्टेड एलिमेंट और आइटम। क्लियर, देन आपको पता होना चाहिए अगर करेंटली एरे का साइज एन है देन वन मोर एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है उसके बाद एरे का साइज क्या जाएगा एन प्लस वन, तो इंसर्ट फंक्शन कॉल करने के बाद जस्ट अप्लाई किया करो एन इक्वल्स टू एन प्लस वन और एन प्लस प्लस, देन इसके जस्ट बाद एरे के एलिमेंट टेस्ट करने के लिए एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराओगे यूजिंग फॉर लूप आई इक्वल्स टू जीरो। जस्ट नेक्स्ट टाइम मैं लूप किस लिए मैनेज करूँ, जस्ट डिस्प्लेइंग एलिमेंट ऑफ द एरे, एरे के एलिमेंट्स प्रिंट कराने के लिए यूज क्या करोगे फॉर लूप फ्रॉम जीरो टू एन प्लस प्रिंट एफ फंक्शन परसेंट डी ए ऑफ आई, इसे जैसे गिवन लॉजिक्स के थ्रू एरे के अंदर गिवन आइटम के जस्ट बाद नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कराना पॉसिबल। इसके से इंपॉर्टेंट लॉजिक आपके लिए मेन फंक्शन है, इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है दिस इंसर्ट फंक्शन है सर्च, सर्च भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, मेन केस क्या था जस्ट इंसर्ट, इंसर्ट के केस में जस्ट मेन स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले गिवन आइटम का पोजीशन सर्च करोगे, तो गिवन के केस में टू पॉसिबल केस होंगे या तो एग्जिस्टिंग हो या नॉन एग्जिस्टिंग, अगर नॉन एग्जिस्टिंग देन इफ कंडीशन फॉल्स हो जाए देन उसके इसमें कंट्रोल डायरेक्टली कॉलिंग पेज पर सेंड होगा विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशंस, अगर इंडेक्स फाउंड हो रहा है देन उसके इसमें जस्ट गिवन आइटम से इसके इसमें परफॉर्म क्या होंगे, पहले तो शिफ्टिंग कराओगे, शिफ्टिंग के बाद जस्ट इंसर्शन कराना पॉसिबल। क्लियर,